हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चलेंगे धनौल्टी, जो कि मसूरी के पास एक बहुत ही सुंदर हिल्स स्टेशन है, जहां पर स्नोफॉल भी अक्सर ठंड के दिनों में होती रहती है। और अभी हम उसी रास्ते में चल रहे हैं और लगभग हम 9 बजे सुबह मसूरी से धनौल्टी के लिए निकले हैं। रास्ते के जो व्यू हैं बहुत ही शानदार हैं। रास्ते के व्यू मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगातार दिखाता रहूं, क्योंकि रास्ते में जो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं और हिमालय के बहुत ही सुंदर व्यू आप देख सकते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, चारों ओर आपको हरे भरे पहाड़ दिखेंगे और उसके साथ साथ आपको बर्फ के पहाड़ भी दिखेंगे, क्योंकि हिमालय का व्यू रास्ते से बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये आप फिलहाल देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये नज़ारे हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में जानेंगे कि धनौल्टी का करंट वेदर कैसा है, स्नोफॉल हुआ है या होने वाला है, क्या उम्मीद है। धनौल्टी जाने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट स्नोफॉल को ही इंजॉय करते हैं और उनकी उम्मीदें यही होती हैं कि स्नोफॉल हो तभी वहाँ अच्छा लगेगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहे। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि धनौल्टी में क्या क्या देखने के लिए है, ऐसा क्या है धनौल्टी में जो हर साल लाखों पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं। अभी हम उसी रास्ते में चल रहे हैं, लगभग आधा घंटा अभी और लगेगा हमें। अगर आप मसूरी से धनौल्टी के लिए चलते हैं तो आपको रास्ते में ये मान के चलिए, अगर आप आराम से चलेंगे तो भी आपको 1.5 घंटे लग सकते हैं। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, मसूरी से जो धनौल्टी की डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर है। अगर आप भी धनौल्टी पहुंचना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुँचना होगा, देहरादून से आप उसके बाद मसूरी, और मसूरी के बाद आप धनौल्टी पहुँच सकते हैं। अगर आप पर्सनल कार से आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप बाइक से भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और अभी मैं बाइक से ही चल रहा हूं। दोस्तों, रास्ते में कई जगह आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है, कई जगह काम भी चल रहा है, रोडें बन रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर रोड जो है बहुत ही सक्रिय है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी कई बार मिल सकता है। और कोशिश करें, पहाड़ी रास्ता है, आराम से चलें। और अब हम धनौल्टी पहुंचने वाले हैं, तो देखते हैं धनौल्टी में कैसा मौसम है, स्नोफॉल के चांस हैं या पहले से स्नोफॉल हुआ है या नहीं। और ये धनौल्टी की खूबसूरत मार्केट है, जहां पर हम एंट्री कर चुके हैं। और फिलहाल अभी यहां पर तो कोई स्नोफॉल जैसा यहां पर नहीं दिख रहा है। ये जो वीडियो है ये है 10 जनवरी की, और 10 जनवरी को मैं मसूरी से धनौल्टी गया था। वीडियो में बने रहें, बहुत ही सुंदर जगह है, आपको कई अच्छे प्लेस भी देखने को मिलेंगे। और व्यू, अगर आप फोटो वीडियो के शौकीन हैं तो ये प्लेस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पहाड़ी रास्ता है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आराम से चले। रास्ते में पाला और बर्फ हल्की फुल्की मिल सकती है रोड में, तो वहाँ पर सावधानी से ड्राइव करें। अगर आप कार है या बाइक से हैं तो स्लो चले, आराम से चले। जहाँ पर पाला और बर्फ आपको पड़े हुए दिखती है वहाँ पर बहुत ही धीरे आराम से चले। और ये देख सकते हैं, ये धनौल्टी का जो मेन एरिया है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। धनौल्टी में बहुत ही खूबसूरत आपको हरे भरे पेड़ दिखेंगे, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर एक पार्क है जिसे इको पार्क के नाम से जाना जाता है, तो अभी हम इको पार्क पहुँचने वाले हैं। उसके भी जो शानदार व्यू हैं वो आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड के और भी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल को देखना चाहते हैं, उनकी जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सभी जानते हैं मेरा अभी फ़िलहाल सारा फोकस कुंभ में है,
और जैसे ही हरिद्वार का कुंभ ख़त्म होता है, मैं आपको उत्तराखंड के बहुत सारे सुंदर खूबसूरत जो जगह हैं उनको भी वहाँ भी ले चलेंगे और वहाँ की भी वीडियो आपको बना के देंगे। और फिलहाल हम इको पार्क धनौल्टी पहुँच चुके हैं, ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड भी है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, होटल, नाइट कैंपिंग करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये इको पार्क है। और जो इको पार्क है वहाँ पर जो टिकट है वो 50 रुपये है बड़े लोगों के लिए, वही बच्चों के लिए 25 रुपये है। और इको पार्क के अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने को मिलेगी। एक एडवेंचर प्लेस है जहां पर टूरिस्ट आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये टिकट काउंटर के पीछे इको पार्क है, यहीं पर बच्चे बड़े खेलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे और फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं 10 जनवरी को यहाँ गया था जब बहुत ज़्यादा धूप थी, हालांकि ठंड तो बहुत थी लेकिन स्नोफॉल की कोई उम्मीद नहीं थी और स्नोफॉल हमें नहीं मिला। हालांकि रास्ते में कई जगह हल्की पुल्की हमें बर्फ़ और पाला देखने को मिला, लेकिन धनौल्टी में स्नोफॉल के नाम पर कुछ नहीं था। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वहाँ हम चलेंगे सुरकंडा देवी। सुरकंडा देवी माता का मंदिर है जो कि धनौल्टी से लगभग 7 किलोमीटर और आगे है, तो वो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि वो ज़्यादा हाइट में है और उसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बहुत ही फेमस मंदिर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी मैं दे सकूं कि धनौल्टी में कैसा वेदर है, वहाँ पर स्नोफॉल की क्या उम्मीद है, स्नोफॉल हुआ है या नहीं। तो फिलहाल मुझे 10 तारीख को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और उससे कई दिन पहले भी कोई स्नोफॉल नहीं हुआ था। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आगे भी इसी तरह आपको वीडियो बनाता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।